Volta é mana vasta chita, ab khuda ki kasam, namaz Allah ka sabse bada hukm hai. Kalma padhne ke baad sare amal niche aaye hain, Jibril Amin ne Hazur Pak sasam ke upar laaye hain. Lekin ye namaz ka tohfe ke liye Allah Pak ne apne mehboob ko arsh pe bulaya, arsh pe, aur wahan par ja ke ye namaz ka tohfa diya. Că meri taraf se apni umat ko ye namaz ka tohfa de do. Jab ye namaz ka tohfa laya sahaba ikram aisa khush ho gaye ke khushi se uchalte the. Yahudiyon ne bola bhai koi Allah ka khazana mil gaya, itna khushi manate ho, pet ke upar to patthar bandhte ho bhookh se. Bolta hai Allah ke khazane nahi mile, Allah ki khazano ka chabi mil gayi. Allah ki khazano ki chabi mil gayi. तो मेरे मोहतरम दोस्तों सहाबा रज़वानुल्लाह अजमईन ने इस नमाज के ऊपर मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को और टूवले ले निकाल हम उतार मसाला डालो, मसाला डाल दिया दो रकात नमाज बोलता है इधर बिल से लगाओ टूवल निकल आया, अल्लाह हू अकबर, कचर मर गया रास्ते में जा रहा है, मेरे भाई एक तरफ हो गया दो रकात नमाज, या अल्लाह इसको तू कयामत के दिन भी जिंदा कर, मुझे अभी जरूरत, एकदम उठ गया सवारी पे सवार हो गया, अल्लाह अकबर, बच्चे को जिंदा किया एक औरत ने, नया नया मुसलमान हुआ, अल्लाह अकबर, आज मेरे भाई हम मुसलमान होकर अल्लाह से वादा भी किया हुआ है इस जबान से ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये वादा है, ये ईमान है, अल्लाह से वादा है कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे तेरे हर हुक्म को माने और मानेंगे किस तरह, जिस तरह ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरतीब पर अल्लाह का हुक्म मानना ये पूरा दीन है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना कपड़े पहनना निकाल शादी करना गम करना ये सारे तरीके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद है, लेकिन आज मुसलमान गैरों के तरीकों पर जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह किसी कोई आदमी गया है मौली साहब के पास, मौली साहब हजूर पाक सब ने अपना बेटी फातिमतु जहरा रजी अल्लाह अन्हा जो जन्नत की औरतों का सरदार होगा किस तरह शादी किया, जरा मुझे बताओ कि मैं भी अपना बेटी का शादी उस तरह करूं, कोई गया है मौली साहब के पास, अपना ढोल धमका टक्का पक्का वही कर रहे हैं ना गैरों का, तो मेरे भाई हम तो मुसलमान है, इस सिलसिले में ये जुमात आया हुआ है।